गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो कल हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? टीजर का हमने बेसिक किया था 1.1 का, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या किया था? एडिशन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, इसके कितने रूल्स थे? 4 रूल्स थे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं 4 के 4 रूल्स को। अगर हमें एडिशन करनी है उसके लिए क्या था? अगर डबल नंबर हमारे पॉजिटिव है रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन दे आल्सो ऐड, इफ वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। हम सबट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे सेम नंबर को हम ऐड करते हैं, डिफरेंट नंबर है तो सबट्रैक्ट करते हैं। यही किया था हमने एडिशन में। अब फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हूज सम इज -7। हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम -7 है। देखो दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने से -7 आए। हम कोई भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया 1 से, अब 1 में हम क्या ऐड करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो नेगेटिव आए। देखो हमें नेगेटिव चाहिए और क्या 7 चाहिए। पहले अगर हम दोनों एडिशन के लेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। अब हम एक प्लस का एक माइनस का करके देखते हैं। देखो वन में यहाँ पे हमें चाहिए 7, 1 में या तो हम ऐड करेंगे 6 को, अगर 6 को ऐड करेंगे 7 तो आ जाएगा पर नेगेटिव तो नहीं आएगा। अब हम चेक करेंगे माइनस में क्या आएगा। अगर -6 करते हैं मल्टीप्लीकेशन में रूल्स हमारे सेम थे, बस मल्टीप्लाई करके साइन क्या आएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन के रूल्स क्या थे, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एक माइनस एक प्लस नेगेटिव, 1+1 माइनस नेगेटिव। ये तो हमें ऐड करने हैं प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें क्या करना है, इसमें साइन पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लीकेशन तो सेम रहेगी। अब 1 को यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें नेगेटिव नंबर, देखो 7 चाहिए, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है कि हम क्या करेंगे 8 करके देखते हैं। देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस 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 8 प्लस का 1, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है नेगेटिव, मतलब हम सबट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 1 7 एंड साइन विल बी विच नंबर इज ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर देन 1 सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। क्लियर टू एवरीवन? हमने यहां नेगेटिव क्यों लिया? देखो 1 पॉजिटिव है माइनस 8 नेगेटिव है, 8 क्या 1 से बड़ा है तो इसके हम क्या आएंगे नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव। हमें क्या करना था, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, हमें दो पेयर बताने हैं इंटीजर्स के जिनका सम -7 आए, तो कौन से पेयर होंगे वो, प्लस का 1 माइनस 8। जरूरी नहीं है हमें यही करना है, और भी ले सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया 1 किया है, 1 की बजाय हम यहाँ 2 कर लेते हैं। किसी भी नंबर से स्टार्ट कर लो, कोई भी इंटीजर ले लो पॉजिटिव नेगेटिव, हमें सम क्या चाहिए -7, यहाँ पर 2 है, 2 में हम क्या ऐड करें सबट्रैक्ट करें -7 आए। देखो दोनों पॉजिटिव को ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो हम लेके देखते हैं 9 प्लस 2 ये क्या हो गया 7, लेकिन अगर 9 में से 2 को माइनस कर दे तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, अब माइनस चाहिए। अगर हमारा एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन किसका आएगा जो नंबर बड़ा, 9 हमारा बड़ा लिया हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 2। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का क्या करेंगे सबट्रैक्ट, 9 माइनस 2 7 एंड साइन विल बी नंबर व्हिच इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर देन 2 सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे हम 3 लेके भी कर सकते हैं, 4 कोई भी नंबर ले लो, उसके हम ये रूल्स हैं ये एडिशन के ये मल्टीप्लिकेशन के, चेक कर लो और उसके बाद कोई भी दो इंटीजर हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा डिफरेंस इज -10। देखो हमें क्या चाहिए, पहले भी क्या था सम करना था, ऐड करें तो क्या आए -7 आए, अब हमें क्या चाहिए डिफरेंस,
माइनस टेन, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब कोई भी दो इंटीजर फाइंड करने हैं, कैसे करोगे? पहले यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लो, मान लो हम ले लो, क्यों क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया, तो ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से माइनस टेन आए। अब देखो क्या करोगे, अगर यहाँ पे हम ट्वेल्व है तो क्या हो गया, ट्वेल्व माइनस टू क्या है हमारा टेन आ रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस। देखो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ट्वेल्व माइनस टू टेन, एंड साइन विच नंबर इज ग्रेटर, ट्वेल्व इज ग्रेटर देन टू, सो साइन नेगेटिव। तो क्या आया देखो, ऐसे दो इंटीजर फाइंड करने थे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से माइनस टेन आए, तो नंबर कौन से आ गए, टू एंड ट्वेल्व। अगर टू एंड ट्वेल्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टेन आएगा। मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट का मतलब एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस माइनस माइनस आ गया ट्वेल्व, यहाँ हमने प्लस टू लिया था, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्वेल्व माइनस टू टेन, एंड साइन विल बी ऑफ विच नंबर इज ग्रेटर, ट्वेल्व इज ग्रेटर देन टू, सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। क्लियर टू एवरीवन? थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमें फाइंड कर लिया है, ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या है, जीरो है, फाइंड करो अपने अपनी नोटबुक में। देखो सम का मतलब किन्हीं दो नंबर को ऐड करने से सम हमारा जीरो आना चाहिए, कोई भी नंबर हो, स्टार्ट कर लो वन से, टू से, थ्री से, इस बार हम थ्री से स्टार्ट करते हैं। थ्री क्या दिया हमने, पॉजिटिव नंबर लिया है, अब एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ऐड करने से थ्री में क्या आना चाहिए, जीरो। कैसे करेंगे, ये हमारा प्लस का थ्री है, हमें ऐड करना है। देखो अगर हम टू से करेंगे, वन से करेंगे, तो हमारा कभी भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट ही होंगे, थ्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर जीरो आए। अगर थ्री में से हम थ्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट चाहिए, तो क्या करोगे, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और हमें माइनस ही चाहिए। अगर जीरो बनाना है, कोई भी एक नंबर लो उसका इनवर्स कर दो, मतलब नेगेटिव के साथ, थ्री थ्री का मतलब माइनस थ्री, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब सॉल्व करो, एक प्लस एक माइनस है, माइनस होएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, साइन कौन सा आएगा, दबो थ्री इक्वल है तो कोई भी लगा दो, जीरो के आगे प्लस हो माइनस हो जीरो ही होगा हमेशा, तो हमारा क्या आ गया, थ्री माइनस थ्री। अगर हम यहाँ पे टेन ले, प्लस का टेन से स्टार्ट करें, प्लस टेन, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर जीरो आए, हमें क्या करना है, सम बताने को हम ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट जीरो आए, पहले इसमें हम क्या करेंगे, माइनस टेन बनाएंगे इसको, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, यहाँ पे नंबर माइनस किया है, क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस टेन, तो टेन माइनस टेन जीरो। क्लियर टू एवरीवन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, सो स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। सेम है सेकंड क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अपनी मर्जी से हमें नंबर लिए थे, यहाँ पे हमने कहा है कि पॉजिटिव नंबर लिए या नेगेटिव नंबर लिए, बस ये फर्क है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज, डिफरेंस गिव्स 8। सेम क्वेश्चन है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 8 आए, कोई भी दो नंबर लेने हैं हमें जिनका डिफरेंस क्या है हमारा 8 है, कर सकते हो क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं वन से, हमें डिफरेंस चाहिए, तो क्या यहाँ माइनस है, हमें क्या चाहिए, प्लस का 8 चाहिए, तो मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा प्लस आएगा। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई में प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम माइनस क्या बनाना है, एट बनाना है, हमने पहले लिया है, तो क्या करोगे, सेवन, कोई भी नंबर ले सकते हो हम, माइनस माइनस प्लस सेवन, वन प्लस सेवन, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड, और साइन कौन सा रहेगा, सेम नंबर है तो सेम साइन रहेगा, एट प्लस का एट,
नेगेटिव। अब ये देखो, इसमें हमने क्या किया, हमने दो ऐसे इंटीजर फाइंड कर लिए जिनका सम माइनस फाइव आए, और वो इंटीजर कैसे हैं, एक तो पॉजिटिव है प्लस वन और एक नेगेटिव है माइनस सिक्स, क्लियर है। इसमें हम और भी ले सकते हैं, जैसे हमने वन से स्टार्ट किया, हम टू ले लेंगे, टू के साथ क्या आएगा, माइनस सेवन आ जाएगा, सेवन माइनस टू कितना हो जाएगा फाइव, तो हमें फाइव के फॉर्म में ले लें जिनको सब्ट्रैक्ट करने से फाइव आएगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, फाइंड अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस सिक्स, मतलब हमें दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, माइनस सिक्स, और वो दो इंटीजर कैसे होए, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, हमें डिफरेंस चाहिए माइनस सिक्स थ्री, डिफरेंस क्या चाहिए माइनस थ्री, ये दो इंटीजर क्या करना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि रिजल्ट क्या है माइनस थ्री। अब ऐसे एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, तो फर्स्ट इस पार्ट में क्या करेंगे, कोई भी एक एज्यूम कर लो, मान लो टू किया हमने, ये पॉजिटिव इंटीजर आ चुका, अब हमें क्या लेना है सेकंड नेगेटिव इंटीजर, कैसे करोगे, हमें चाहिए माइनस का थ्री, तो मतलब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू हमारा आ चुका, टू में क्या कौन सा नंबर ले जिसको सब्ट्रैक्ट करने से थ्री आए फाइव, अब हमें चाहिए नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो पहले हम कर चुके, तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव देखो अगर हम यहाँ नेगेटिव इंटीजर ले लें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों प्लस क्यों होंगे तो हम ऐड करेंगे, इसका मतलब हमें अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर हमने पहले पॉजिटिव लिया है उसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर एक दूसरा नेगेटिव नंबर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और दोनों प्लस को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। जैसे देखो अगर हम यहाँ माइनस फाइव ले लें, अब फाइव में से क्या माइनस करें कि हमारा रिजल्ट टू आए, सोचो हमें क्या चाहिए माइनस थ्री चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर लेना है एक नेगेटिव नंबर लेना, हम स्टार्ट करते हैं वन से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे इजी, माइनस वन हमने सबसे पहला इंटीजर क्या लिया नेगेटिव इंटीजर लिया है और वो क्या है माइनस वन, अब हमें दूसरा क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, देखो यहाँ पे हमें चाहिए पॉजिटिव, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में क्या होगा माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो हमें माइनस देखो मान लो यहाँ पे हम टू ले लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस वन, अब दोनों नंबर क्या आ गए हमारे नेगेटिव आ गए, नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा जो दोनों में है मतलब नेगेटिव, टू प्लस वन थ्री, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, देखो नेगेटिव नेगेटिव होएगा तो पॉजिटिव, पर साइन कौन सा रहेगा जो दोनों में सेम है मीन्स नेगेटिव, अब हमारे ऐसे दो इंटीजर कौन से आए हैं माइनस वन एंड माइनस टू, किसकी को आ गया माइनस थ्री के, यही चाहिए था हमें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव, ये क्वेश्चन ध्यान से करना, इसमें अगर हम पहले पॉजिटिव लेंगे तो आगे नेगेटिव लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले नेगेटिव ले लो, इसमें माइनस वन करके देख लो, अगर पॉजिटिव से आता पहले इजिली पॉजिटिव से कर दो, मैंने क्या किया पहले एक माइनस वन ले लिया, अब यहाँ पे तो क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर हम पहले ले चुके हैं, माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस का हो गया, ये भी हमने किया तो डिफरेंस ही है, नंबर लिया हमने प्लस का, तो अब माइनस माइनस चेक कर लो क्या होएगा ऐड होएगा, तो वन प्लस टू थ्री, और साइन कौन सा रहेगा जो कि दोनों में कॉमन है,